हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए इतना अच्छा स्टॉक लेकर गया हूँ जो कि बीएससी का पहले स्टॉक है। बीएससी में इनका काम का चलता है। इनका मार्केट कैप है 7,53,00,000 का। इनका करंट प्राइस चल रहा है 38 पैसे। इसने हाई बनाया 49 पैसे का, इसका लो है 38 पैसे का। बुक वैल्यू 18 रुपये का, डिविडेंड पे आउट नहीं करता है। आर ओ सी ये है -19.19 और आर ओ ई है -0.19। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रमोटर के पास 0.88% की होल्डिंग है। डिविडेंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। एनुअल प्रॉफिट 62,00,000 है। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी है -0.19%। इंडस्ट्री पी 21। फ्री कैश फ्लो 18,07,00,000 का। कंपनी ने अपने पास फ्री कैश फ्लो भी रखा है। कंपनी डेट फ्री है। इसकी बुक वैल्यू 18 रुपये की है। और हमें स्टॉक कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री फ्लोस में देखो, स्टॉक की ट्रेडिंग एट 0.02 टाइम इट्स अपनी बुक वैल्यू। डिविडेंड डे हैव इम्प्रूव फ्रॉम 1893 दिन टू 76 दिन। देखें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,00,000 का प्रॉफिट हुआ है सितंबर 2022 में। जून 2022 में 35,00,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसमें प्रॉफिट लॉस हुआ चलते हैं, लेकिन पहले ज़्यादा ही लॉस बनाती थी, बट अभी ये प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी है 2-3 क्वार्टर से। अब चलते इसकी नेट प्रॉफिट की तरफ। 4,00,000 का उधर 35,00,000 का प्रॉफिट, बट प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेस पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट TTM में -35,00,000, मार्च 2022 में -64,00,000, मार्च 2021 में -21,00,000। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस आते रहते हैं, बट अभी ईयरली बेस में लॉस मेकिंग कंपनी है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी लॉस ही दिख रहा है हमें, -34,00,000 का। उससे पहले TTM में उससे पहले -62,00,000 का लॉस। बट अगर हम लोग कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इतना ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ कभी आपने देखा ही नहीं होगा। 10 साल में -23%, 5 साल में -34%, 3 साल में -50% और TTM में 28,700% की सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए 10 साल में 2%, 5 साल में नहीं, 3 साल में कुछ नहीं है। TTM में -12,233%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात की 10 साल -14, 5 साल -24, 3 साल में 26%, 1 साल में कुछ नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कुछ नहीं है, खाली है। बट अगर हम लोग प्रमोटर की होल्डिंग की तरफ देख के ध्यान दें, पहले हम लोग देख लेते CIRV प्रोसेस तो नहीं चल रहा ना इस कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई वो नहीं चल रहा है फाउंडेशन, ठीक है। इस कंपनी के पास 2019 से अब तक 0.88% की होल्डिंग है। बट अगर हम लोग पब्लिक के अंदर जाते हैं तो पब्लिक के पास 99% की माल है। और इनमें काफ़ी अच्छा पैसा इंडिविजुअल या हिडन प्रमोटर का लगा हुआ, तो इन्हें हम बोल सकते हैं हिडन प्रमोटर। देख रहे हो काफ़ी अच्छा पैसा लगा हुआ है। अगर इन्हें बैठ जाओ कैलकुलेट करने तो अच्छा प्रमोटर होल्डिंग निकलेगा। ये भी स्टॉक को कभी भाग नीचे नहीं गिरने देंगे, ठीक है। इन्हें अंदर का मैनेजमेंट के बारे में पता होता तभी ये सब सारे लोग ना इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं। तो आप इस स्टॉक को अपने नज़रों में बना करके रख सकते हैं। देखो पहला नंबर ये डेट फ्री स्टॉक है, इस पर कोई भी कर्ज नहीं है। दूसरा नंबर इसमें काफ़ी अच्छे हिडन प्रमोटर हैं। तीसरा नंबर इसके पास फ्री कैश फ्लो भी, अगर कंपनी डूबने की कगार पर आती है इनके पास फ्री कैश फ्लो है। ये डूबने ही नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको इस कंपनी का नाम बताऊं, उससे पहले बताता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डेफिनेटली इस लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करना यार, हमें भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे कुछ होता होता है नहीं, ठीक है। तो दिखलाता हूँ इस स्टॉक का नाम। ये स्टॉक ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
कन्वर्टर है। तो आईटी का ये स्टॉक है, आईटी का स्टॉक बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा बूम करते हैं, जब भी बूम करते हैं तो बहुत अच्छा सुनामी लाते हैं, ठीक है। तो इस स्टॉक का नाम है एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो 1985 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड इन दिस बिजनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रील्स नाइस रीसेल्स, ये रीसेलिंग का इनका काम है। बहुत अच्छा ये आईटी का स्टॉक है, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आपको पैसा बना करके छाप करके दे सकता है ये, मतलब समझ लो नोटों की बारिश कर सकता है। तो हम लोग चलते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ और देखते हैं इसका चार्ट क्या है। बट इसका चार्ट तो नहीं खुल रहा है, लेकिन हम लोग इसके BSE की साइट पे जा कर के देखते हैं इनमें कैसा काम का चल रहा है, क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्ट ऑन अकाउंट GSM, ये GSTM कैटेगरी में चला गया है। GSTM स्टेज 6 ऑन अकाउंट ऑफ द सेबी डिस्ट्रैक्शन एट डेट अगस्त 7 2017 से 2017 से ही चला गया है। बट आप इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हो, जब भी ये खुले ना बाय करके चल सकते हो। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, बट क्या है 2017 से अभी ये अपने GSM लिस्ट 6 में है, GSM 6 स्टेज में है। तो देख सकते हो आप इस स्टॉक को, अपने नज़र में रख सकते हो। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था, किसी भी हमारे बताए गए स्टॉक जिस पे हमने वीडियो बनाया है उन स्टॉक में एंट्री मारने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें, उसके बाद ही एंट्री करें, या फिर अपना खुद का रिसर्च ऐड करने के बाद, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था।